आप सभी समर्थकों को सादर प्रणाम। आप लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग से हमने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी की और आप सबका भरपूर प्यार और सहयोग मिला। आज इस लोकतांत्रिक पर्व के अंतिम दिन में कल वोटिंग होनी है और हमने भरपूर प्रयास किया कि सभी जगह हम पहुंच सके, परंतु फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा कि बहुत कम समय हम लोगों को मिला और कम समय में जितना हो सकता था हम लोगों ने पूरी तरीके से मेहनत की और सभी जगह पहुंचने का प्रयास करा, पर जहां पर हम नहीं पहुंच पाए मैं वहां की सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भाई आपका ये बेटा इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहा है। आज आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, परंतु हमारी ये आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है। हमारी वो आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है जो हम 5-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ रहे थे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस दौरान ना जाने कई लोगों के फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे पाए, ना जाने कई लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाए, ना जाने कई दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए, परंतु आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कल होने वाली वोटिंग में आप सभी EVM के 8वें नंबर पर हीरे के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाकर आप हमारे पक्ष में मतदान करें और हीरे को और हमें विजय बनाएं। साथ ही मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आज अपने बूथों पर आप लोगों को बॉबी पवार को प्रत्याशी मानने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग कम से कम अपने बूथ पर इस संकल्प के साथ जाइए कि मैं अपने बूथ पर मैं खुद प्रत्याशी हूं और मैं ही बॉबी पवार हूं। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस लड़ाई को जरूर हम जीत रहे हैं। जिस प्रकार के रुझान हैं, जिस प्रकार के हमारे पास जो मैसेज हैं, तो लग रहा है कि वास्तव में ये बदलाव होने वाला है और इसी बदलाव के साथ हम आगे की लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।